जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का मानना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना चेहरा चमकाने के लिए करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल की विफलता के खिलाफ सांसद पप्पू यादव ने रविवार को उनके घर का घेराव किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार से सांसद और जन अधिकार पार्टी के संरक्षक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की अगुवाई में रविवार के दिन सैकड़ों लोगों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर केजरीवाल के विरोध में नारे लगाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया। वहीं इस विरोध मार्च के मुखिया पप्पू यादव ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली वासियों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। एजुकेशन सबसे बड़ा मुद्दा था, हेल्थ सबसे बड़ा मुद्दा था, आम आदमी की जरूरत सबसे बड़ा मुद्दा था। दो साल के अंदर उन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। जन अधिकार पार्टी के मुखिया राजेश रंजन और पप्पू यादव ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ इस बार जोरदार हल्ला बोला है। सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली सरकार के झूठे वादों, विज्ञापन, बिजली पानी, ऑडिवन, पेंशन और आपके मंत्रियों को मिले सरकारी बंगले पर भी सवाल खड़े किए। दिल्ली में रहने वाले जो आम आदमी है वो परेशान है, उसकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए केजरीवाल दिल्ली को छोड़ अब वो पंजाब और दूसरों को ठगने की बात करता है। इसीलिए यह जो आम आदमी है वह केजरीवाल से हिसाब मांगने आया है कि तुमने जो वादा किया वो गलत था, तुम बहुत बड़े झूठे हो, तुमसे बड़ा बेईमान इस हिंदुस्तान में कोई नहीं हो सकता है, इसलिए तुम्हारे खिलाफ ये जंग है। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक राजेश रंजन और पप्पू यादव के अनुसार दिल्ली देश की राजधानी है, अरविंद केजरीवाल की जागीर नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक छात्र पढ़ने के लिए दाखिला लेते हैं, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी के एमपी विजय गोयल के साथ मिलकर स्थानीयता के नाम पर दिल्ली के बाहर के छात्रों की सीटें कम कर देना चाहते हैं, जिससे नुकसान यूपी बिहार को सबसे अधिक होगा। बीजेपी के एमपी विजय गोयल से मिलकर के बाहर भारत से आने वाले जो भी लोग हैं उसके खिलाफ लंबी साजिश वो रच रहे हैं। पप्पू यादव ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और जन भावनाओं का अपमान किया है। जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया, आज उसी मुद्दे लोकपाल विधेयक से केजरीवाल साहब मुकर गए हैं। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की संपत्तियों के ऑडिट की उनकी घोषणा भी झूठ साबित हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सके। जन अधिकार पार्टी आम आदमी के अधिकार और सम्मान के लिए संघर्ष करेगी। पार्टी की दिल्ली इकाई राज्य सरकार की विफलता के खिलाफ आंदोलन करती रहेगी। उन्होंने जो जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, इसलिए दो साल पर हम लोगों ने उनको एक साल पर सीधा कहने के लिए आए हैं कि लोकपाल का क्या हुआ और बेईमान अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, जो आप कह रहे थे कि जन प्रतिनिधि जितना भ्रष्ट है 80% जेल जाएगा, पदाधिकारी जेल जाएगा, उनका क्या हुआ? वो मुद्दे कहाँ चले गए? जो आपसे समर्थित मुद्दा है, आप कहते हो अब एमसीडी मेरे अंडर में होता तो 80% जेल में जाता, आप कह रहे थे लोकपाल दे दो 90% जेल में जाएगा, तो आप सिर्फ आंख में धूल झोंक रहे हो। राजेश रंजन और पप्पू यादव के अंदाज से तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की समस्या बढ़ने वाली है। अभी तक उन्हें सिर्फ बीजेपी कांग्रेस से ही मुकाबला करना पड़ता था, पर अब एक और पार्टी जन अधिकार पार्टी और उनके मुखिया राजेश रंजन और पप्पू यादव के चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन रघु के साथ चेतना चौधरी, शंखनाद न्यूज़ दिल्ली।